सिटी सेंटर में आदित्य विक्रम सिंह का पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला सामने आया तब, जिसमें इस वीडियो में जो वायरल वीडियो में आदित्य विक्रम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज भी हुआ है। मैं भी अभिमन्यु अभियान के दौरान का ये जो वीडियो है बताया जा रहा है, मैं भी अभिमन्यु नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। वीडियो में आदित्य विक्रम सिंह सिगरेट पीते हैं, पुलिस से अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने आदित्य विक्रम सिंह और उनके ड्राइवर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। आपको बता दें, आदित्य विक्रम सिंह कांग्रेस से पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे। ये पूरा मामला है शुक्रवार का, जहां मैं भी अभिमन्यु अभियान के तहत राघोगढ़ में पुलिस नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित करा रही थी। इसी दौरान आदित्य विक्रम सिंह वहां पर पहुंच गए। वो प्रशासन से कार्यक्रम को बंद कराने के लिए कहने लगे। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन आदित्य सिगरेट पीते हुए पुलिसकर्मियों को धमकाने लगे, कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा। मामले में राघोगढ़ थाने में आदित्य विक्रम सिंह और उनके ड्राइवर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी से धक्का मुक्की करने और गाली गलौज करने का केस दर्ज हुआ है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं आदित्य विक्रम सिंह इस वीडियो में, कैसे पुलिस महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ढंग तेरे को देख तो रहा है क्या ढंगेगा, कानून मुझे ज्यादा पता है, कहीं के भी हो आप, कहीं के भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए तो इसका नाम क्या नहीं आप लेके जाओ, दादा से बात कर लो, बंद करिए, आप करिए, मैं वो गलत काम नहीं कर रही हूँ। चलो बेटा, चलो अंदर चलो हो गया प्रोग्राम, चलो हाँ हो गया मैडम, चलो अंदर चलो। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, वीडियो में सुनाई भी दे रहा है कि किस तरीके से आदित्य सिंह बदतमीजी कर रहे हैं महिला पुलिसकर्मी के साथ, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। हम एक बार विस्तार से, जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, हालांकि सुबह से ये खबर हम दिखा रहे हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे हुआ क्या था, किस बात को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ। देखिए, बहन बेटियों में जागरूकता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चला रही है। मैं भी अभिमन्यु अभियान ये पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और लोगों को अलग अलग तरह से जो है वो सुरक्षा, महिला सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ऐसे ही राघोगढ़ में जो वहाँ की पुलिस है वो इस अभियान को चला रही थी। वहाँ पर जो छात्र छात्राएँ थे वो नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वहाँ पर जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से वहाँ पर लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य विक्रम सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के भतीजे हैं, मौजूदा विधायक जयवर्धन सिंह के भाई हैं, वो वहां पर अचानक से पहुंचते हैं और वहां पर अचानक से कार्यक्रम को बंद करने की बात कहने लगते हैं। जब उनको पुलिस आकर समझाती है कि ये कार्यक्रम जागरूकता के लिए किया जा रहा है और काफी ज्यादा बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी मौजूद रहते हैं, स्कूल की छात्र छात्राएं भी मौजूद रहते हैं, वो वहां पर उनको धौंस दिखाने लग जाते हैं कि उनको ये कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। जाहिर तौर पर आप एक नेता के परिवार से आते हैं, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं होता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, कि वो इस तरह से अपने परिवार का, अपने जो है पावर का या फिर अपने वर्चस्व का यहाँ पर ध्वंस दिखाए। वो ध्वंस दिखाते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जब पुलिसकर्मी उनको समझाने के लिए आते हैं, उनसे हाथ जोड़कर बोलते भी हैं कि वो इस तरह का व्यवहार ना करें, वो महिला SDOP से बदतमीजी करते हैं, वहाँ पर TI मौजूद रहते हैं, वहाँ पर SI मौजूद रहते हैं, वो सभी को धमकाने लग जाते हैं। लेकिन एक अभद्र व्यवहार की भी सीमा होती है जो वहाँ पर वो जो है लांघते हुए नजर इस तरह से आ रहे हैं कि पूरे वीडियो में वो पुलिसकर्मी के सामने अभद्र व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सभी छात्र वहां पर मौजूद थे, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, वो धूम्रपान करते हुए लगातार वहां पर जो है वो पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे, पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे थे। जाहिर तौर पर ये किसी नेता हो चाहे कोई आम आदमी भी हो, किसी को ये शोभा नहीं देता कि वो पुलिसकर्मी से इस तरह का व्यवहार करें, और खास तौर से जब वहां पर आम जनता मौजूद हो, क्योंकि जाहिर तौर पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो हमेशा लोगों के साथ है, जनता
की सुरक्षा के लिए हैं, जनता के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जब नेता ही जनता के सामने इस तरह का अभद्र व्यवहार पुलिस से करेंगे तो आप सोचिए कि किस तरह का यहाँ पर जो है वो संदेश जाता है। हालांकि जो ड्राइवर हैं आदित्य विक्रम सिंह के, उनके खिलाफ और आदित्य विक्रम सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ ही गाली गलौज के साथ साथ यहाँ पर अभद्र व्यवहार करने के लिए FIR BNS की धाराओं में दर्ज कर ली गई है। लेकिन ये एक हम कह सकते हैं कि जिस तरह का व्यवहार एक जो एक नेता के बेटे का था, और जो वो कहते हुए बार बार नजर आ रहे हैं कि ये बाबा साहब का है, पुलिसकर्मियों को भी वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो है सारी गर्मी उतार देंगे या अन्य जो भी शब्द हैं, ये वाकई में जो है इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि किसी के लिए भी सहनशील नहीं है। खासतौर से जब कोई वर्दी में व्यक्ति हमारे सामने हो और वो कोई हमको सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ इस तरह का व्यवहार भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जी बिल्कुल अमृतांशी, यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है महिला सुरक्षा को लेकर, जिस तरीके से सभी पार्टियां और जो भी और ऐसे लोग जो कि आप सरकार में जिन्होंने काम किया है, ऐसे लोग चाहे वो एक बड़े औहदे पर भी रखते हैं, एक अलग उनका जो समाज में वर्चस्व है वो है, वही लोग जब महिलाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं, क्योंकि वहां पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो वीडियो है अमृतांशी, महिला पुलिसकर्मी लगातार समझा रही है आदित्य सिंह को, उनसे बार बार शांत रहने की अपील कर रही है, लेकिन सबके बावजूद वो सिगरेट पी रहे हैं, उसके सामने बदतमीजी कर रहे हैं। साफ दिखाता है कि महिलाओं के प्रति किस तरीके का व्यवहार इनका है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर और एक महिला सुरक्षा के साथ साथ एक खाकी का भी सम्मान है, जो कि उस खाकी के सम्मान को जो है वो अभद्र अपने व्यवहार से आदित्य सिंह काफी ज्यादा छलनी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ महिला SDOP के साथ उन्होंने जो है वो अभद्र व्यवहार किया, अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी किया। इसके साथ ही वहां पर जो छात्र छात्राएं मौजूद थी, देखिए वहां पर वो एक जागरूकता अभियान के लिए मौजूद थे, लेकिन जब किसी नेता को वो इस तरह का व्यवहार करते हुए देखेंगे तो आप सोचिएगा कि इन जो बच्चे हैं जो वहां पर छात्र मौजूद थे, उनके बीच में किस तरह का संदेश जाएगा। एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक परिवार से आने वाले व्यक्तियों को जाहिर तौर पर, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि समाज ने ही उनको चुनकर भेजा है, उनके परिवार से जो भी राजनीतिक जुड़ाव रहे हैं, लेकिन अगर उनके परिवार जन इस तरह से धौंस अपने राजनीति के दिखाते हुए नजर आएंगे तो वाकई में ये बहुत गलत है। जी अमिताशी, किस बात को लेकर इतने गुस्से में आदित्य विक्रम सिंह थे, क्यों आखिर वो जो वहां पर कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसको बंद करने पर वो अड़े हुए थे, किस बात की धौंस इस बात के लोग लेकर दिखा रहे थे? देखिए एक बड़ा सवाल तो ये ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा गलत कार्यक्रम नहीं हो रहा था, कोई तेज़ आवाज़ में नॉइज़ नहीं हो रहा था या बहुत तेज़ DJ नहीं बज रहा था जिससे किसी को तकलीफ़ हो सके या किसी को परेशानी हो सके। एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा था, एक अच्छा संदेश देने के लिए चलाया जा रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर वो क्यों पहुँचे, वो क्यों धौंस दिखाने लग गए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। हालाँकि यहाँ पर देखिए इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है, यहाँ पर तमाम जो BJP के नेता है अब वो निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह और उनके परिवार और से लक्ष्मण सिंह पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सियासत होनी तो शुरू यहाँ पर देखिए देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो है वो उनका जो अभद्र व्यवहार है, भले ही उसको लेकर FIR दर्ज कर ली हो, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक दल से जो आने वाले लोग हैं या फिर जो इस तरह के परिवारों से आने वाले लोग हैं, क्योंकि आदित्य विक्रम सिंह मुझे नहीं लगता कि कोई इतने बड़े पद पर रहे होंगे जिस तरह की धौंस वो दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके पिताजी पूर्व सांसद पूर्व विधायक रहे हैं, उनके जो है चाचा जी भले ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भाई मौजूदा विधायक पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, लेकिन उनका खुद कोई ऐसा पद नहीं है जिस तरह की धौंस वो दिखा रहे हैं, चाहे वो SDOP महिला के साथ बदतमीजी या अभद्र व्यवहार करना हो या फिर पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करना हो, उनको धमकाना हो, गाली गलौज करना हो या दूसरों के सामने इस तरह का तमाशा खड़ा करना हो। जी अमृतांशी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, खबर पर नजर रखिएगा, हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, अब क्या आगे कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते आगे।